जैसे कि आपको पता है, जो आपका लास्ट लेक्चर था 14 अप्रैल का, हमने उसमें इसका एक्सरसाइज में 1.6 फुल डिस्कस की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले आ रहा है कि आपके पास MCQs यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 1। आपको पता है अभी हमने जो कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ऑर्डर में सबसे पहले आप रोज़ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। तो आप देखिए इसकी रोज़ कितनी है, इसकी सिर्फ एक रो है और कॉलम कितने हैं, दो बन रहे हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आंसर होगा, वो होगा इसका बी यानी कि 1/2। देन इसका आपके पास सेकेंड MCQs है। अब आपको पता है जब डायगनल्स पे एलिमेंट्स मौजूद हों और नॉन डायगनल्स पे एलिमेंट ना मौजूद हों, ठीक है, और दोनों एलिमेंट्स क्या हों, आपस में इक्वल हों, यानी कि अगर 1 1 होते तो वो आप उसको आइडेंटिटी कहते। अब देखें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है तो ये आपके पास क्या स्केलर है, ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ये थे आपके फर्स्ट 2 MCQs। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड MCQs की जानिब। तो आपके पास थर्ड MCQs दिया हुआ है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। अब आपको पता है जो स्केयर मैट्रिक्स होता है वो 2×2 का होता है, यानी कि उसमें दो रोज होती हैं और दो कॉलम्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है यानी कि 2/2। फोर्थ MCQs है आपके पास ऑर्डर ऑफ अ सॉरी ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप क्या करते हैं, आप जो ट्रांसपोज लेते हैं आप कन्वर्ट कर देते हैं रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में। देखें इसके अब 3 रोज़ थी तो 3 क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, और 2 कॉलम से क्या बन जाएंगे, 2 रोज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2/3। अब आपके पास 5 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1, 2, 0 और -1। एडजॉइंट में पता है आपको जो आपके पास डायगनल्स पे एलिमेंट्स होते हैं आप उन दोनों की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसका ऑप्शन ए देखूँ तो दोनों की जगह चेंज हुई हुई है और नॉन डायगनल एलिमेंट्स के क्या हुए हैं, साइन चेंज हुए हैं। तो ये आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसका MCQ नंबर 6। अब प्रोडक्ट अपना फाइंड करनी है एक्स वाई की 2 और 1 -1 के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो क्या हो जाएगा 2x + -x, क्या हो जाएगा वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। अब जो 4 है यानी कि 7 है उसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके करा देता हूँ कि एक्स वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप। क्या है आपके पास 2, 6, 3 और एक्स 2, 6, 3 और एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें 2x - 6, 3 = 18 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 18। तो एक्स क्या हो गया 18/2, एक्स क्या हो गया 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 9 है। तो अगर मैं देखूँ तो इसका ऑप्शन ए क्या है, 9 है। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपके पास जो 8th है उसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो हम वो भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब 8 MCQs आपके पास दिया हुआ है वो क्या है, x + -1, -2, 0, -1 इज इक्वल टू 1, 0, 0 और 1। अब यहाँ पे अगर एक जगह पे अगर इक्वल टू एक एक साइड पे चीज़ पॉजिटिव हो रही होगी तो दूसरे साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपके पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन पता करता हूँ कासिम। -1, -2, 0 और -1। एक्स आपके पास क्या होगा, -1, +1, 0, -2, 0, 1, -1, +1, 1, +1। बच्चे ये आपके पास 0 है तो ये 0 है तो क्या होगा, 0। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2, 2, 0 और 2। तो अगर मैं देखूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है। अब 1 मिनट आपका मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। कासिम आपने जो क्वेश्चन पता करें, क्वेश्चन पता करें जी। कासिम बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन था कासिम? सर आपकी वीडियो जरा सी रुक रही थी तभी मैं। चलिए ठीक है, अब ठीक आ रही है।
यस सर आपकी। ठीक है। तो देखें, अब ये थे आपके पास एमसीक्यूज। अब हम इसका नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमने कंप्लीट करना है फॉलोइंग में। तो आपको पता है ऐसे मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज क्या हों, 0 हों, तो आप उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। देखें अब इसके ऑल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, तो ये क्या नल मैट्रिक्स हो गया। अब ये 1 1 हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। एडिटिव इन्वर्स, आपको पता है कि ऐसी वैल्यूज होती है, एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट किया जाता है जिसको उस मैट्रिक्स में ऐड करो तो सॉल्यूशन क्या आ जाए, 0 0 आ जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर 1 की जगह 1 के साथ अगर मैं -1 प्लस करूँ, -2 के साथ +2 प्लस करूँ, 0 के साथ 0 प्लस करूँ, -1 के साथ +1 करूँ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। तो ये क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये थे फर्स्ट 3। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास 4। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो यानी कि आपको पता है, अभी हम भी आगे प्रूफ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में, कि ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ये हम आगे प्रूफ भी कर लेंगे। उसने क्या है, मैट्रिक्स ए प्लस बी, तो आपको पता है जब भी मैट्रिक्स 2 ऐड हों तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो दूसरे के भी क्या होंगे, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। अगर एक के 1 रोज़ और 1 कॉलम्स है तो दूसरे मैट्रिक्स के भी क्या होंगे, 1 रो और 1 कॉलम होंगे। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ क्या हो, सेम हो, यानी कि एक दूसरे के साथ इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। अब हम नेक्स्ट ऑन मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, वो सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी 4 6, बी माइनस ए इज इक्वल टू -3 4 6 और 2। आपने क्या फाइंड करना है, ए और बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ ए प्लस 3 4 6 बी -1 इक्वल टू दिया हुआ है -3 4 6 और 2। तो आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट की सॉरी फर्स्ट लिमिट फर्स्ट के सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड के फोर्थ, फोर्थ क्या होता है, इक्वल होता है। आप कर लें ए प्लस 3 इज इक्वल टू -3, देन आपके पास 4 कर लें, बी -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो ए यहाँ पे पॉजिटिव हो, दूसरी जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए -3 -3, तो ए क्या हो गया आपके पास -6 हो गया। बी इज इक्वल टू या -1 देखो प्लस जाकर 1, तो बी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई और आपके पास क्या आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर इक्वल कर रहा हो सेटिस्फाई राइट हैंड साइड से, तो मैं ए और बी की वैल्यू पुट करके देख लूँ, तो आपके पास क्या होगा, -6 प्लस 3 4 6 3 -1 -3 4 6 और 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 6 4 और 2, जो कि आपके पास इक्वल आ रहा है, यानी कि जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगी राइट हैंड साइड से, तो जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट सॉल्यूशन होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फोर आपके पास दिया गया है, इफ ए, अब क्लियर करें कैमरा, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 और 0, और बी आपके पास दिया हुआ है 5 -4 -2 और क्या दिया हुआ है, -1, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2a + 3b, दूसरा पार्ट दिया हुआ है -3a + 2b,
पार्ट आपको दिया हुआ माइनस थ्री इंटू ए प्लस टू बी, और फोर्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है टू डिवाइड बाई थ्री इंटू टू ए माइनस थ्री बी। अब देखें, अब आपने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व आउट किया है बहुत बार, तो मैं जस्ट आपके पास पार्ट थर्ड आपको यहाँ पर क्लास में कराऊंगा, तो जो बाकी दो पार्ट हैं वो आपने घर से क्या करना है ट्राई आउट कर लेने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए इज इक्वल टू टू थ्री वन और जीरो, बी इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर माइनस टू और माइनस वन, देन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, करवा देता हूँ, पार्ट फोर भी करवा देता हूँ, यानी पार्ट फोर करवा दें। अब बच्चे ने कहेगा पार्ट थ्री नहीं पार्ट फोर ट्राई करें, तो पार्ट फोर ट्राई कर लेते हैं। वो क्या, टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू ए माइनस थ्री बी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है टू ए, यानी कि ए को टू के मल्टीप्लाई कर लो, तो टू मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, टू थ्री वन ज़ीरो। तो जब टू ए मल्टीप्लाई होता है आपके पास क्या होगा, टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू वन ज़ार टू और टू ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। देन आपके पास क्या, थ्री बी, तो बी थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो थ्री को बी से मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा, फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, तो थ्री बी आपके पास क्या आ गया, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, फाइव थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, थ्री टू ज़ार सिक्स, थ्री वन ज़ार थ्री। अब देन आपका नेक्स्ट है टू ए माइनस थ्री बी फाइंड करना, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट फाइंड कर लें, क्या आ गया, टू ए माइनस थ्री बी। टू की वैल्यू क्या है, फोर सिक्स टू ज़ीरो, माइनस थ्री बी आपके पास है फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स और माइनस थ्री। क्या होगा आपके पास, टू ए माइनस थ्री बी आपके पास इक्वल आ जाएगा फोर माइनस फिफ्टीन, सिक्स माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व, टू प्लस सिक्स और ज़ीरो प्लस थ्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर में से ट्वेल्व, सॉरी फोर में से फिफ्टीन में से फोर के क्या रहेगा, माइनस इलेवन, एटीन एट और क्या आ गया, थ्री। अब आपके पास ये क्या गया, टू ए माइनस थ्री बी की वैल्यू, अब ये किस साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, टू डिवाइडेड बाई थ्री के साथ, यानी कि टू डिवाइडेड बाई थ्री के साथ, तो टू ए माइनस थ्री बी। अब आपके पास क्या होगा, टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू माइनस इलेवन एट एटीन थ्री। अब ये टू डिवाइडेड बाई थ्री को मैट्रिक्स के अंदर सबके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, टू डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस इलेवन, टू डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई एटीन, टू डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई एट, टू डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। तो क्या होगा, माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री सिक्स ज़ार थ्री, टू ज़ार सिक्स, थ्री ज़ार सिक्स, टू ज़ार ट्वेल्व, सिक्सटीन बाई थ्री टू। ये क्या गया, आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट सॉल्व आउट करने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है। इफ वैल्यू दी हुई है आपके पास मैट्रिक्स टू वन थ्री और माइनस थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू माइनस वन और माइनस टू। जो हमने जिस तरह हमने क्वेश्चन किया था पीछे एम सी क्यूज में, ये बिल्कुल वैसे उसी पैटर्न पे होना है, तो ये हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स
इफ 2 1 3 -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 -1 और -2। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव कर लें, क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2 -(2, 1, 3) और -3। तो पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए अगले पेज पे हम करते हैं इसका। ये आपके पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 +3। तो आपके पास एक्स क्या हो जाएगा, 2 -4 -3 और 1 क्या गया, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कहा गया इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया, 0 1 2 और -3 एंड बी इज इक्वल टू -3 4 5 और -2, देन प्रूव डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, जो आपके पास ए बी है वो नॉट इक्वल टू के बी ए है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 में हम लिख लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 0 1 2 -3 एंड बी इज इक्वल टू -3 4 5 -2, देन प्रूव डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि जो आपके पास ए बी है वो नॉट इक्वल टू के बी ए है। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लें, एक वैल्यू आपके पास 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई और बी के साथ -3 4 5 और -2। तो मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, देन आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो आपके पास क्या होगा, 0 3 ज़ा 0 प्लस 5 -6 -15, 4 0 ज़ा 0 -2, 8 प्लस 6। तो आपके पास क्या होगा, 5 -21 -2 और 14। ये थी आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम प्रूव करते हैं जो इसकी राइट हैंड साइड है बी ए करते हैं, देन हम देखते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अब देखें बी ए, तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर किसकी लिखेंगे, ए की लिखेंगे। तो बी की वैल्यू आपके पास -3 4 5 और -2, और एक पहले दी हुई आपके पास 0 1 2 -3। ये क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई आप लोग कर लें, तो ये आपके पास क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन आपके पास होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3। आपके पास क्या होगा, 0 प्लस 8 0 -4 -3 -12, 5 प्लस 6। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया, 8 -4 -15 और 11। अब आप देख लें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो यही चीज़ आप में प्रूफ करें। तो आप लिख लें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव्ड।
आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 6। अब 7 क्वेश्चन है, अब आपके पास 7 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है। आपने ए बी का ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और ए बी का इनवर्स आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 7 क्वेश्चन में आपको इसका पार्ट ए यहाँ पे कर देता हूँ, पार्ट टू आपने क्या करना है घर से कर लेना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया हुआ है। इफ ए इज इक्वल टू 3 2 1 -1, बी इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई डैट। पहला पार्ट इसका ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिए हुए क्वेश्चन नंबर की ए बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें ए बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड कर लें कि आपके पास ए बी की क्या वैल्यू आ रही है ना, आपने उसका क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 2 1 -1, और बी के आपके पास 2 4 -3 और -5। 3 × 2 + 2 × -3 इंटू 3 × 4 + 2 × -5, देन 1 × 2 + -1 × -3 1 × 4 + -1 × -5। तो आपके पास क्या आ जाए 3 2s are 6 -6 2 + 3 3 4s are 12 -10 4 1s are 4 +5। तो आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं 0 5 2 और 9, ये आ गया। देन आपने इसका क्या लेना है, आपने ट्रांसपोज ले लेना है कि आपके पास इसका ट्रांसपोज क्या आता है। तो ए बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लें, तो वह आपके पास क्या होगा रोज कन्वर्ट करो कॉलम में 0 2 5 और 9, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मूव होते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। तो वह आपके पास क्या दिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज फाइंड कर लें, इधर ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो बी ट्रांसपोज होगा वो आपके पास इक्वल होगा 2 4 -3 -5 2 4 -3 -5, और जो ए ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा 3 2 1 -1। अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी की वैल्यू क्या है 2 − 3 4 -5 इंटू ए ट्रांसपोज है 3 1 2 -1। तो आपके पास क्या होगा 2 × 3 − 3 × 2 2 × 1 − 3 − 1, देन आपके पास हो गया 4 × 3 − 5 × 2 देन आपके पास हो गया 4 × 1 प्लस ये आ गया आपके पास 6 − 6 12 -10 2 + 3 4 + 5। तो ये आपके पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा 0 2 5 और 9।
तो ये आप पास इक्वल आ गया ए बी का जो ट्रांसपोज है, वो आपके पास इक्वल आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज फुल कंप्लीट कर ली, आपने अच्छे तरीके से घर से रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, तो अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, जिस बच्चे का जो 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 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं।